पंजाब के 900 स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन बच्चों की मदद के लिए अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला पोलैंड पहुंच गए हैं। औजला का कहना है कि वो केंद्र सरकार की मदद नहीं कर पाने के रवैये से बेबस हो गए और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। औजला पोलैंड में मौजूद पंजाबी लोगों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स की मदद के लिए अभियान चलाएंगे। औजला ने पोलैंड में मौजूद पंजाबी लोगों से बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। औजला का कहना है कि हमारी कोशिश बच्चों को जल्द से जल्द निकालने की है। औजला ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में कोई संतोषजनक नतीजा नहीं निकला। औजला ने दावा किया कि यूक्रेन के खार्किव इलाके में अभी भी बहुत सारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं पोलैंड में हूं और यहां से छात्रों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी कोशिश बच्चों तक खाना पहुंचाने की है और उन्हें वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, खार्किव में बहुत सारे भारतीय बच्चे हैं, इन बच्चों को कोई मदद नहीं मिल रही, केंद्र सरकार भी इन बच्चों की मदद नहीं कर पा रही। बता दें कि खार्किव से पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, इसी वजह से वहां से बच्चों को निकालने में भारी परेशानी हो रही है। रूस के हमले के बाद से ही खार्किव में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं।